जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला आज गुलिस्तान के एक कॉन्क्लेव में आए थे, जिसपे उनसे बातचीत की गई। जब जम्मू कश्मीर बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर को लेकर, तो उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बयान दिए हैं। सबसे पहली बात, उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि 370 की लड़ाई हम केवल सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे, क्योंकि जिस सरकार ने 370 हमसे छीना है, वो सरकार तो हमें 370 वापस देने नहीं वाली। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी कहा, कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाली नई सरकार भी 370 हमें देने के बारे में सोचेगी। यानी इशारा इसी तरफ था कि केंद्र में अगर सरकार बदलती भी है, उसके बावजूद भी हमें नहीं लगता, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा है, हमें नहीं लगता कि कोई और सरकार भी 370 जम्मू कश्मीर को वापस देगी। वही उनसे जब पूछा गया कि वो 371 को लेकर बात क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि हम 370 को लेकर एक पॉलिटिकल जंग अभी भी लड़ रहे हैं। हालांकि बैटलफील्ड जो हमने चुना है वो सुप्रीम कोर्ट है, हम कोर्ट के जरिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट 370 के मामले में फैसला जल्दी दे देती, तो हमें ये लगता कि हमारी ग्राउंड जो है वो स्ट्रांग नहीं है, इसी वजह से जल्दी जल्दी जो है इस मामले का निपटारा हो लगा रही है 370 के मामले में सुनवाई करने पे। इस वजह से हमें ये लगता है कि हमारा केस मजबूत है, जिस वजह से इस मामले में समय लग रहा है। साथ ही में उन्होंने कहा कि हम 371 को लेकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि 371 को लेकर बातें वो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं जिन्होंने 370 की लड़ाई को छोड़ दिया है। ना ही हम 370 की लड़ाई को छोड़ेंगे और ना ही हम 371 की मांग करेंगे। उन्होंने जिक्र किया नागालैंड को और ये कहा कि जहां जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था, उस झंडे को छीन लिया गया, वहीं सरकार इस बारे में सोच रही है कि नागालैंड को जो है एक झंडा भी दिया जाए। वहीं उन्होंने बात की इलेक्शंस को लेकर, और इस कॉन्क्लेव में आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के भी स्टेट प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर वहां पर मौजूद थे, तरुण चुग वहां पर मौजूद थे, और उनके सामने वो बात कर रहे थे कि आखिर सरकार इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में इतनी देर क्यों लगा रही है। जब उनसे ये कहा गया कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स जो है वो रिवाइज होने हैं, तो ये कहा गया कि क्लैरिटी के साथ सरकार को पहले बताना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को क्लैरिटी के साथ बताना चाहिए कि आखिर इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में कब होंगे। थ्री टायर सिस्टम की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की, उसको लेकर भी जिक्र किया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि थ्री टायर सिस्टम ऑलरेडी जो पंचायत एग्जिस्ट करती है, डीडीसी एग्जिस्ट करते हैं, बीडीसी एग्जिस्ट करते हैं, एक जो टायर अभी तक मिसिंग है वो एमएलए का, वो भी जल्द इलेक्शन के बाद पूरा हो जाएगा। तो उस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को देश भर से अटपार लाने की जहां कोशिश की जा रही है, तो हिमाचल में भी इलेक्शंस हो रहे हैं हालांकि पंचायतें वहां पर भी हैं, गुजरात में भी इलेक्शंस हो रही हैं हालांकि पंचायतें वहां पर भी हैं, तो जम्मू कश्मीर को लेकर क्लैरिटी से बताया क्यों नहीं जाता कि आखिर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कब कंडक्ट किए जाएंगे। उसके साथ ही में जब बात की गई, जिक्र किया गया कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ईडी है, एनआईए है, उन पर भी बात छेड़ी गई कि उमर अब्दुल्ला से कहा गया, सवाल पूछा गया कि आपको भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तो उन्होंने कहा मुझे बुलाया गया था, मैंने अपना जवाब, जो भी सवाल जवाब मुझसे किए गए, मैंने पूरा पूरा कोऑपरेट किया है, मैं आज कंप्लेन नहीं कर सकता किन इंस्टीट्यूशंस का जो है वो कोई गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या जो ताकत में लोग हैं वो अब्यूज कर रहे हैं अपनी पावर का, क्योंकि जो अब्यूजर रहा हो वो बाद में ये कहे कि ये इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इन ताकतों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बनता नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि पीएसए को लेकर अब ये नहीं कहा जा सकता कि पीएसए हमारे ऊपर क्यों लगाया गया, क्योंकि हम भी जब सरकार में रहे हैं, पीएसए जो है वो उसका इस्तेमाल अगर हमने भी किया है, तो उसके बाद हमें भी अगर उस कानून को भुगतना पड़ रहा है, तो उसको लेकर अब हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। वहीं उमर अब्दुल्ला ने लगभग 45 मिनट की जो बातचीत की, उस बातचीत में जम्मू कश्मीर के लगभग हर एस्पेक्ट को लेकर उन्होंने बात की, डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि बताया जाए कि अगर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो इन्वेस्टमेंट आ कहां पर रही है, ग्राउंड में इंडस्ट्रीज में कुछ देखने को क्यों नहीं मिल रहा, अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, अगर कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अगर दुबई की मीटिंग्स का कोई नतीजा निकल कर आ रहा है, तो वो ग्राउंड पर आखिर नजर क्यों नहीं आ रहा। लुलु मॉल के ऊपर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बार बार जाकर ये कहा जाता है कि लुलु से मीटिंग हुई, लुलु यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद ये होगा वो होगा, वो हर साल हम देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद ग्राउंड पर कुछ भी नजर जो है वो नहीं आता है। इलेक्शंस को लेकर इलेक्टोरल रोल्स की भी जहाँ बात की गई, वहां पर भी उन्होंने तंज किया और ये कहा कि अगर ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो पहले 18 साल के नहीं थे वो अब 18 साल के हो जाएंगे, तो वो 25 लाख वोटर्स हैं जो ऐड होंगे, तो उसमें भी उन्होंने सरप्राइज जताते हुए ये कहा
कि कैसे मुमकिन है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो कुछ ही समय में हो गया हो कि एक साथ 25 लाख लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में 18 की उम्र को क्रॉस कर चुके हो और वो वोटर्स बन चुके हो। साथ ही में सबसे गंभीर बात, जब बात हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में पार्टी के वर्कर्स ने मिलकर एक पार्टी के लीडर्स ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी जम्मू कश्मीर की सीटें हैं उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि वो खुद इलेक्शन लड़े, वो पीएजीडी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती। उनको लेकर भी सवाल पूछा गया कि एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आता है जो ये कहते हैं कि पीएजीडी के साथ मिलकर जो है जब भी इलेक्शंस होंगी तो इलेक्शन इकट्ठे लड़ी जाएंगी, वहीं पार्टी ये रेजोल्यूशन पास करती है कि इलेक्शन जो है वो केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लड़ना चाहती है, सभी सीटों पर अपने दम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। तो उसको लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि पार्टी के वर्कर्स का भी कुछ सोच है, कुछ मत है, और जो उन्होंने पार्टी के लीडर के सामने रखा है एक रेजोल्यूशन की शक्ल में, फाइनल डिसीजन लेना अभी बाकी है। पार्टी जब फाइनल डिसीजन लेगी तो उस फाइनल डिसीजन में सभी फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रख के फैसला सुनाएगी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पीएजीडी के साथ मिलकर इलेक्शन में मैदान में उतरेगी। ये सारी बातें जो है उमर अब्दुल्ला ने की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कि 370 को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान ये दिया कि चाहे केंद्र में जो अभी की सरकार है वो भी 370 वापस देने वाली नहीं है, क्योंकि जिन्होंने छीना है वो तो वापस देंगी नहीं, उनके बाद भी अगर कोई और सरकार आएगी तो हमें उम्मीद नहीं है कि वो भी 370 जो है वो वापस दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता किसी भी और फोरम पे 370 की बात करके, क्योंकि हमें मालूम है कि जो जिस बैटलफील्ड पर हम जा रहे हैं केवल कोर्ट ही एकमात्र जरिया है जिससे हम 370 को वापस ला सकते हैं।